हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन दी क्लास ऑफ साइंस क्लास एट्थ एंड वी आर इन चैप्टर नंबर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दी प्रीवियस पार्ट्स यू हैव लर्न अबाउट दी इंट्रोडक्शन दैट मींस दी व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन उसके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन Uh, के लिए हम लोगों ने बायो रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बायो रिजर्व्स के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स जो हैं इस चैप्टर के उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था जैसे फ्लोरा फोना एंडमिक स्पीसीज इन सब कंटेंट्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में स्टडी किया था नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट अनदर दी अनदर प्रोटेक्टेड एरिया दी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिजर्व के बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू एंड नेशनल पार्क के बारे में स्टडी करेंगे सो आई होप की आप सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर होंगे स्टार्ट so, करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज माई स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसे एरिया होते हैं ऐसे स्ट्रिक्टली प्रोटेटेड एरिया होते हैं जहां पर बहुत सारे रूल्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे uh, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोफिटेटेड एंड पनिसेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसिज हर एक प्लेसिस में चाहे वो नेशनल पार्क हों चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों चाहे वायोस्पेयर रिजर्वस हों यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रॉफिटेड होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल ही ऑल्सो टेल्स दैम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग वाय देर लाइवली लाइव स्टॉक्स कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लान्ट एंड फायरवुड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो लोग रहते हैं जो विलेज हैं उन लोगों को परमिशन होती है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करने की बट नॉट एट ऑल की आप हंटिंग कर सकते हैं एनिमल्स को किल कर सकते हैं प्लांट्स को कट कर सकते हैं ये परमिशंस अलाउड नहीं होती हैं सम ऑफ़ दी थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक वाइट आइट आइट बक एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हैडेड डक इस तरीके से जो बहुत सारे एनिमल्स हैं इनको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या करती हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं दीज आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्कैप ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुस लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स ये बड़े बड़े माउंटेंस के पास या रिवर के जो डेल्टाज होते हैं वहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया में बनाई गई हैं जहाँ पर जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ ख़तरे में है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है वो वहाँ पर सही कंडीशंस में सारी उनको कंडीशंस दी जाती हैं जो उनके लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर वो रहते हैं नौ नेशनल पार्क नेशनल पार्क क्या है माय माई स्टूडेंट्स जहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में दिया हुआ है चिल्ड्रेंस ऑन नाउ ईगर टू माधव जी दैट टेल्स डैम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इको सिस्टम दे प्रिजर्व फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सतपुड़ा ये एम पी में है मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा नेशनल पार्क और ये इंडिया का फर्स्ट है दी फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट देयर इज़ ऑल्सो मोर देन वन हंड्रेड नेशनल पार्क इन इंडिया नेशनल पार्क का काम क्या है नेशनल पार्क जो होते हैं वो एनिमल्स और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और वाइल्ड प्लांट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का काम का करते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं सिमिलरली नेशनल पार्कस भी होते हैं और ये अलग अलग आ, एनिमल्स के लिए अलग अलग लोकेशंस पर बनाए जाते हैं यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व का जो मेन एम था वो टाइगर को बचाने के लिए था ना प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंडिया में ये टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माई ड्रेंड्स जब डिफॉरेस्टेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ ख़तरे में होती है उनका सर्वाइवल ख़तरे में होता है ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास जो कि धीरे 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 क्या होते जा रहे हैं एक्सटेंट एंडेंज़र स्पीसीज़ हैं जो कि धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं उनकी जो स्पीसीज़ हैं उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो अब देखने को भी नहीं मिलती हैं टोटली अर्थ से वो क्या हो चुकी हैं ख़त्म हो चुकी हैं सो ऐसे जो इंडेंजरस एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ करते हैं यहाँ पर ज़ू एक वर्ड दिया हुआ है व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन अ ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माई डेस्टेंट्स जू आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे से होते हैं जहाँ पर छोटे से एरिया में किसी न किसी एनिमल्स और प्लांट्स को फॉर फन ना मनोरंजन के लिए उनको रखा जाता है वो ज़ू कहलाते हैं और जो बहुत छोटे से एरिया में होते हैं ये जू ओके तो आप लोगों को डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे नाउ अब कुछ एनिमल्स के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है इंडेंजर्स एनिमल एंड एक्सटिंट एनिमल माइड फ्रेंड्स एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंसन आर नोन एज दी इनडेंजर एनिमल वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे इंडेंजर एनिमल कहलाएंगे जो ख़त्म हो सकते हैं जिनकी लाइफ डेंजर में है वो इंडेंजर एनिमल्स कहलाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल्ड बफेलो की बात करें तो ये एक इंडेंजर स्पीसीज़ है टाइगर एक इंडेंजर डिस्पीसीज़ है बारा सिंघा ये एक इंडेंजर स्पीसीज़ है और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिट हो गए एंड आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस पार्ट में इंडेंजर अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ थ्रेट में है एलिफेंट के बारे में यहाँ पर दिया है ये सारे इन डेंजर एनिमल्स हैं और कुछ एनिमल्स क्या हैं एक्सटेंट हैं जिनका uh, अर्थ में अब कहीं पर भी कोई भी स्पीसीज़ देखने को नहीं मिलेगी फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने डायनासोरस के बारे में सुना होगा डायनासोर इज़ वॉट एक्सटेंट स्पीसीज ओके तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट दैन दी बिगर एनिमल एट टाइम वी किल स्नैक्स फ्रॉक लिजार्ट बैट एंड आउल रूटलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पॉर्टेंस इन दोसस्टम ये क्या हो चुके हैं एक्सटिट हो चुके हैं और अगर हम बार बार ऐसे एनिमल्स को छोटे छोटे एनिमल्स को किल करेंगे उनको हंट करेंगे तो हमारे पूरे के पूरे इको का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा यहाँ पर एको की डेफिनेशन दी हुई है एंड एको इज़ मेड ऑफ ऑल दी प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट सच एस क्लाइमेट सॉइल रिवर डेल्टाज एटसेट्रा तो यहाँ पर किसी भी एकोसिस्टम में किसी भी बायोडाइवर्सिटी में बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट जो कि बायोटिक में आपके सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगी और अबायोटेक में आपकी क्या हो जाएंगी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी सो so, इन सब के बीच में क्या होता है इंटर रिलेशनशिप होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं सो डियर ड्रेंड्स इन दिस वे ये चैप्टर आज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस किए यहाँ पर कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं रेड डेटा बुक के बारे में दिया है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन डेंजर एनिमल्स का जो भी एनिमल्स डेंजर uh, में है है ना जिनकी जो सर्वाइवल है वो डेंजर में है वो कल भी भी ख़त्म हो सकते हैं ऐसे एनिमल्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो बुक है वो कौन सी है रेड डेटा बुक तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा ओके माइग्रेशन माइग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्लास सेवन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र कर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं है ना अपना सारे के सारे स्पीसीज मिल करके एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और एक अपनी प्लेस से छोड़ करके दूसरे प्लेस में जा कर के रहने लगते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन माइग्रेशन इज वॉट द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वॉट इन सर्च ऑफ फूड और जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं माइग्रेशन करते हैं देन रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर यहाँ पर दिया हुआ है आपको जैसे पता होना चाहिए कि अगर हम एक जो बुक्स होती हैं या जो हमारी नोटबुक्स हैं पेपर वो किससे बनता है प्लांट्स से बनता है दैट मीन्स जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसी से पेपर्स को प्रिपेयर किया जाता है अगर अगर हम पेपर को रिसाइकल नहीं करेंगे अगर हम इस बुक का रीयूज़ ना करें रिसाइकल ना करें पेपर का रिसाइकल ना करें तो हमें न्यू पेपर्स बनाने के लिए ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ट्रीज़ के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी इससे क्या होगा जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट uh, पार्ट दिया है इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक वन टन ऑफ पेपर अगर हमें वन टन पेपर बनाना है तो हमें सेवनटीन फुल ग्रोन ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होगी सो वन टन ऑफ पेपर बनाने के लिए सेवनटीन ट्रीज़ को अगर कट कर दिया जाए तो इन्वायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो इन सारे इम्पैक्ट से बचाने के लिए एक और लास्ट पॉइंट आप लोगों को जो बुक में दिया है वो है आपका रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे आप लोग रिफॉरेस्टेशन इज़ वॉट दी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका बैलेंस फिर से बन सकता है सो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ है ना री रीफॉरेस्टेशन इज द री स्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है उसको फिर से तैयार करने के लिए जो हम लोग रीस्टॉक करते हैं न्यू प्लांट्स लगाते हैं वो क्या है रिफॉरेस्टेशन है सो माय डियर फ्रेंड्स इन दिस वे यहाँ पर आज हम लोगों ने इस चैप्टर के हर एक कंटेंट को यहाँ पर ख़त्म कर लिया है डिस्कस कर लिया है आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे